तो साथियों, अभी हम लोग रातलाब के गंजारी में आ चुके हैं, जहाँ की वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कंपनी का जो है एलएनटी कंपनी का यहाँ पे रूम तैयार किया गया है, जो कि स्टेडियम का कार्य करवा रही है। और आगे काफ़ी ज़ोरों शोर से स्टेडियम का कार्य हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना कार्य हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है और मिट्टी की खुदाई हो रही है। देख रहे हैं रोड एकदम खराब हो चुका है, इधर का गिट्टी बालू मिट्टी सारा एकदम गिराया हुआ है। इधर ट्रकों पर लाद कर फैलाया जा रहा है ले जाकर अंदर। अभी मैं आपको यहीं से रुक कर दिखाऊंगा। कि देख रहे हैं तो अभी साथियों, अभी हम लोग जिधर से आए हैं ये रास्ता चला जाता है सीधा हरुआ के लिए, और वहीं ये रास्ता सीधा चला जाता है रातलाब के लिए, और इसी से NH-90 के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा, ये देखिए रास्ता यहाँ पे तो पहले से ही था, तो ये अच्छे से बना दिया गया है ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह के जाने के लिए। और यहाँ पर सारा पर्दे से एकदम बाउंड्री कर दिया गया है तैयार, क्योंकि स्टेडियम का कार्य हो रहा है। और सामने आप देख रहे हैं सारा ईंट टूट गिरा हुआ है, और यहाँ पे जो मकान था वो तोड़ के हटा लिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सामने आप जो पंडाल देख रहे हैं ये कोई स्टेडियम का भाग नहीं है, वहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, क्योंकि आगामी 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का सभा होने वाला है, जनसभा, तो उसी के लिए यहाँ पे हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। तो अभी तो यहाँ पर स्टेडियम का कार्य नहीं हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी के आगमन का तैयारी हो रहा है। तो ये जो सारा ये गिट्टी आया हुआ है, ये गिट्टी फैलाया जा रहा है अंदर, जो पंडाल बन रहा है उसके अंदर फैलाया जा रहा है। और यहाँ से सामने ये जो हेलीपैड तैयार हो रहा है, हेलीपैड से पंडाल तक बीच में रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते को बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। और सारे जो है अधिकारी लोग सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए कार्य कैसा हो रहा है। तो मैं आगे आपको चलकर दिखाता, लेकिन मैं इस वजह से आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर कि मैं आगे जाऊँगा तो फिर मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा आपको। अभी ऊपर से हूँ तो ऊपर से मैं आपको दूर तक दिखा दे रहा हूँ, लेकिन नीचे चला जाऊँगा तो कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगा, वो सारा एकदम ज़मीन ही ज़मीन दिखेगा, इस वजह से मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन ग्रीन जो पर्दा लगा हुआ है ये पूरा एकदम बैरिकेडिंग किया गया, इसके अंदर ही सारा काम होगा अभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये स्टेडियम जो है वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होने वाला है और उत्तर प्रदेश का तीसरा, और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम को तैयार किया जाएगा, जिसमें कि 30 से 35,000 दर्शकों के बैठने का व्यवस्था किया जाएगा और इसमें सारी फैसिलिटी भी दी जाएंगी। तो काम शुरू हो चुका है और इसको 2 सालों में पूरा करना है, तो देखिए क्या होता है। 23 तारीख को इसका शिलान्यास हो जाएगा, उसके बाद फिर काम में काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। तो साथियों, चलते हैं आगे और थोड़ा आपको आगे से भी दिखा देते हैं। देख रहे हैं ये रास्ता
बना हुआ है आने जाने के लिए। देखिए जहाँ तक वीडियो बनाते बनाते यार कि आगे फिर जो अधिकारी लोग हैं कि मना करेंगे तो फिर मैं वीडियो वहाँ से बंद कर दूँगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा ट्रैक्टर वगैरह लगा हुआ है और सामने पंडाल में मजदूर भाई बैठे हुए हैं। देख रहे हैं इधर यहीं पे ये हेलीपैड बन रहा है। ये जो यहाँ पे अभी हम लोग जिधर चले यहाँ पे पहले रास्ता था, कच्चा रास्ता था, कटिंग कर लिया गया है इसको। सामने हेलीपैड बन रहा है। देख रहे हैं ये जो यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, यहाँ से हेलीपैड मतलब यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है उतरेगा और उसके बाद यहाँ से ही जो है आगे से एक रास्ता बनाया जा रहा है पंडाल तक जाने के लिए। देख रहे हैं यहीं से एक रास्ता बनाया जा रहा है पंडाल तक जाने के लिए। ये जो रास्ता ये सीधा फिर पंडाल के लिए चला जाएगा। तो इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जी जाएंगे। इधर भी देखिए एक तैयार किया जा रहा है जो है काफ़ी खर्चे से, पब्लिक का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। फिर ये जो है इतना पक्का तो तैयार किया जा रहा है, इसके बाद इसको उखाड़ लिया जाएगा, क्या मतलब है पता नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। देख रहे हैं ये सारा एकदम ईंट वगैरह ला कर रखा गया है, सारा फिर हटा लिया जाएगा। देख रहे हैं पूरा देखिए प्रधानमंत्री के जी के आगमन के बाद फिर स्टेडियम के कार्य में तेज़ी आती है कि नहीं, इंतज़ार करते हैं। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं डेली इधर का जो भी अपडेट है आप लोगों को दिखाता रहूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।